बड़ी खबर, बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। 25 और 26 फरवरी को भी राज्यपाल के जो अभिभाषण है उसी पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अभी तक क्या कुछ हुआ सदन में आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुग्गल ने प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा केंद्र जो दूर रखे गए हैं उसको उठाया है, उस मामले को उठाया है। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से जुर्माना वसूली का दबाव बनाने के लिए ही ये कदम प्राइवेट स्कूलों पर उठाए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में भरोसा भी दिलाया है, किसी भी छात्र का रोल नंबर नहीं रोकेंगे। दरअसल जो जुर्माना नहीं भरा था 5,000 रुपए का प्राइवेट स्कूलों ने, उसी को लेकर उनको नोटिस दिया गया था कि आप जुर्माना भरें, अन्यथा जो स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। उसी पर आज सदन के अंदर भी सवाल जवाब पूछे गए और गीता बुग्गल ने सवाल उठाया कि आखिरकार प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा केंद्र दूर क्यों हैं, उसी का जवाब कंवरपाल गुर्जर देते हुए नजर आए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज जारी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 25 और 26 फरवरी को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। समर्थन मूल्य देकर हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल की सरकार ने यह सराहनीय कार्य किया। इसके अलावा 13,156 मैट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद भी की गई, समर्थन मूल्य पर पूरी राशि किसानों के खातों में सीधे जमा कराई गई, जो कि शायद ही हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य है जिस जो किसानों के खाते में उनके द्वारा बेची गई फसल का सीधा पैसा उनके पास पहुंचता है। तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए हरियाणा को 2 जनवरी 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुति पुरस्कार देकर प्रदान किया, जो हमारे लिए, हम सब के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए सबसे गर्व की बात है। और ये प्रशंसा पत्र ये दर्शाता है कि हमारा हौसला अफजाई होता है कि हम किस प्रकार से कार्य करते रहें। इसलिए बधाई के पात्र हैं हमारी सरकार, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। अब किसानों का मार्केटिंग का समय है। मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारी जो भी आज के सत्र में चर्चा की जाए, किसानों के किस प्रकार से सुविधा दी जाए, किस प्रकार से उनको सुविधाएं दी जाए, उनको और किस प्रकार से आगे बढ़ाना, उनकी इनकम बढ़ाने का कार्य किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो। मेरा ये आप सभी सदस्यों से अनुरोध है आज के सत्र में। हमारी सरकार किसानों को बागवानी का मुख्य फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार में के भाव कम होने की स्थिति में हरियाणा सरकार ने जो पिछले दिनों भावांतर स्कीम चालू करके किसान को उसका जो कम मूल्य ना मिले, बाजार में जब फसलें आती हैं तो उसका भाव गिर जाता है, उसके लिए, उस भाव किसान की पूर्ति के लिए किसान का खर्चा ज्यादा है, उसका कम इनकम कम ना हो, उसकी भरपाई के लिए भावांतर योजना चालू करके हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। तो मैं आप लोगों के बीच में, मैं डॉक्टर अभय सिंह जी ने जो सरकार की जो पॉलिसी बताई, मैं उनका समर्थन करते हुए आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उसके ऊपर चर्चा करें। मैं एक और हरियाणा सरकार से और सभी माननीय सदस्यों से मांग करता हूं कि हरियाणा प्रदेश जिस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माहौल बढ़िया बनाती है, बढ़िया माहौल दिया है, उस माहौल को और आगे बढ़ाने के लिए पिछले दिनों जाट आरक्षण में जिन नौजवानों के ऊपर, जिन बुजुर्गों के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, उनको तुरंत वापस लेकर इस प्रदेश के माहौल को और अच्छा माहौल बनाने का कार्य करें, यह मैं आप लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि सभी को, किसानों के ऊपर चर्चा की जाए। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए
हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ है जो उन्होंने 20 फरवरी 2020 को प्रातः 11 बजे सदन में देने की कृपा की है। राव दान सिंह जी, धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रजातंत्र की नीति और प्रणाली रही है कि सरकार के किए हुए पूर्व के कार्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय सदन के पटल पर रखते। उन्होंने 14वीं हरियाणा विधानसभा के इस बजट में अपने अभिभाषण में बहुत सारी बातें सरकार के आधार पर कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सुशासन और बेहतर ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रयासरत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ईज ऑफ लिविंग तो तभी होती है जब जीवन में शिक्षा, चिकित्सा, भोजन और साधन सब कुछ उपलब्ध रहता है। जिस तरह की नीति और जिस तरह की योजनाएं यहां दर्शाई गई हैं, उस पर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिस पर यह कहा जा सके ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से काम करने की बात सरकार की रही है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश कृषि प्रधान रहा है। कहा जाता है हरियाणा के लिए देयर इज नो कल्चर एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर जहां गेहूं, सरसों, धान और गन्ने की फसल पैदा की जाती है और उसकी बिक्री होती है। अभी माननीय डॉक्टर साहब ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुए समर्थन के अंदर कहा कि सरकार ने एमएसपी के ऊपर गेहूं खरीदा, धान खरीदा और उसका समय पर भुगतान किया। मैं गारंटी से कह सकता हूं आज भी आप सबसे पहले धान की जो पेमेंट है उसके बारे में ब्यौरा ले लें, फिर उसके बाद में गेहूं के बारे में ब्यौरा ले लें। मैं मेरे क्षेत्र के अंदर भी आज कह सकता हूं कि 35 लाख की पेमेंट आज भी सरकार की तरफ से ड्यू है। तो ये सरकार की कार्यप्रणाली के अंदर कितना अंतर है कथनी और करनी के अंदर। राजवाल किसान के ब्लॉक में नहीं, वो आपके पास है ना, 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 ना,